पहली दफा खान अकेडमी के लैंग्वेज एडवोकेट्स का कन्वेंशन बुलाया गया इन हनोई वियतनाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। नहीं नहीं बंद करो बंद करो। यार ये एजुकेटर्स को क्या शौक है सुबह उठने का, 5 बजे उठा दिया क्योंकि 6:30 बजे बस आएगी और बस उठा के हमें उस जगह लेके जाएगी जहाँ खान साहब का खिताब है। नहीं वो वाले खान साहब नहीं, बाबा तौबा अल्लाह माफ करे। मैं 9 मई के वाके से 10 बर्दारी का ऐलान करता हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ, शुरू भी नहीं की थी। हाँ नहीं ये वो वाले खान साहब नहीं है, ये सैल खान है। फॉर दोस हू डोंट नो, सैल खान इज द फाउंडर ऑफ खान अकेडमी, जो कि 2006 में उन्होंने अपने किसी कजन को पढ़ाने के लिए बेसिकली यूट्यूब का इस्तेमाल करना शुरू किया था। एंड इट हैज ग्रोन इनटू सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन कि पूरी दुनिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में इनका कंटेंट ट्रांसलेट हुआ है। खान अकेडमी का जितना भी कंटेंट है वो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंडर है यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन वीडियोस को ट्रांसलेट करना शुरू किया, स्पेनिश में, हिंदी में, फ्रेंच में, इटालियन में, पता नहीं किस किस जबान में हो चुका है, उर्दू में अभी तक नहीं हुआ था। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था 2020 में हम लोगों ने ट्रांसलेट करना शुरू किया एंड वी ट्रांसलेटेड अबाउट 5000 खान अकेडमी वीडियोस फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू। और उसके बाद फिर सितंबर 2023 में हम लोगों ने खान अकेडमी से बात की कि भाई हमने ये काम कर दिया, तो खान अकेडमी वालों ने बोला जवाब नहीं बाबा, और हमारे साथ एक अग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम लोग खान अकेडमी के लैंग्वेज एडवोकेट्स हैं। सुराख का गया, बहुत मोटा हो गया यार। विश्वीज की खान अकेडमी को उर्दू में प्रमोट करने की जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर उठाई है। सो इस तरह हम लोग खान अकेडमी के उर्दू के लैंग्वेज एडवोकेट्स बन गए। तो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि खान अकेडमी के लैंग्वेज एडवोकेट्स का कन्वेंशन बुलाया गया एंड वी आर मीटिंग इन हनोई वियतनाम। बहुत सारे कंट्रीज हैं और बहुत सारे लोगों से हम लोग सीखेंगे भी। देयर आर पैनल डिस्कशंस, ठीक है, एक सेकंड, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू ऑब्जर्व, सो आई एम रेडी टू डू दिस। मिलते हैं आप लोगों से कन्वेंशन में। समथिंग्स मिसिंग, जूते तो पहने नहीं, जूते पहने जा रहा हूँ। ये हमारी बस है भाई, ये गेट है और ये हमारी पार्टी हो रही है। Vietnam for advanced study in mathematics and BS. Oh, and we have a friend here. Hello. Channel is called Two Mad Explorers. When a paparazzi you met. Yeah. You can do it in your own accent. सिखा दिया भाई मैंने इनको, सिखा दिया क्या सिखाया देख। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और भी चीज है जो इन्होंने खुद सीखी है। जय हिंद। नहीं 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 बंद करो बंद करो। लोग जाहिर सोच के तो गए थे कि खान अकेडमी का लैंग्वेज एडवोकेट कन्वेंशन है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। तो दिन के फर्स्ट हाफ में वियतनाम के ऑफिशियल्स वगैरह आए हुए थे, बहुत एक सरकारी किस्म का इवेंट था, पर काफी वो वाली वाइब थी, अजरा कोड़नी होती है और ऑफिशियल्स वगैरह को पहले सलाम करके बुलाना होता है स्टेज पे। फिर सैल खान का खिताब हुआ जिसमें उन्होंने पहले खान अकेडमी के बारे में बताया कि कैसे एक छोटे से चैनल से शुरू होकर अब इस लेवल पे चीजें पहुंच चुकी हैं कि एक एक बच्चे की मुकम्मल प्रोग्रेस न सिर्फ देखी जा सकती है बल्कि इम्प्रूवमेंट पे भी काम किया जा सकता है। और इस हवाले से स्टेटिस्टिक्स भी शेयर किए कि स्कूल्स में या इंडिविजुअली भी खान अकेडमी से कैसे स्टूडेंट्स इस्तेफादा कर सकते हैं और ये सब बिल्कुल मुफ्त है। बाय द वे खान अकेडमी उर्दू की वेबसाइट भी एक्टिव हो चुकी है और इस पे काम चालू रहेगा। उसके बाद सैल खान ने हमें खान मीगो के बारे में बताया जो कि स्टूडेंट का दोस्त, टीचर का असिस्टेंट और यारों का यार है और इंतहाई पावरफुल टूल है। इसे बनाना और चलाना खासा महंगा काम है और बहुत सारे लीगल मामलात की वजह से ये फिलहाल तो US तक महदूद है, लेकिन जल्द ही दूसरी जबानों और ममालिक में भी दस्तियाब होगा। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम इसे उर्दू में जल्द अज जल्द अवेलेबल कर सकें ताकि टीचर्स को मदद हासिल हो सके और स्टूडेंट्स भी ट्यूशन्स पे पैसे फेंकने के बजाय अपने बलबूते पे पढ़ सकें और सीखना सीख सकें। उसके बाद भाई कुछ पैनल डिस्कशंस हुए कि बच्चों की ग्लोबल लेवल पे असेसमेंट के लिए कौन कौन से इवेंट्स और कॉम्पिटिशन होते हैं,
किस तरह स्टेट लेवल पे इन कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करवाई जाती है और हिस्सा लिया जाता है। पाकिस्तान से एक आध लोग अपने बलबूते पे पहुंच गए तो पहुंच गए, मगर स्टेट सपोर्ट न होने की वजह से जाहिर है हमारा नाम किसी काम की जगह पे नहीं पाया जाता। उसके बाद एक और पैनल डिस्कशन हुआ जिसमें AI के यूजेस पे बात हुई। दुनिया भर में AI पे काफी सालों से काम हो रहा है और ChatGPT और बहुत से दूसरे टूल्स की शक्ल में तकरीबन 2022 से पब्लिक के इस्तेमाल में भी ये सब चीजें आ चुकी हैं। लोग AI के इस्तेमाल से क्या क्या कुछ कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में हम पर अब तक यही टेंशन सवार है कि यार AI कहीं मेरी जॉब तो नहीं छीन लेगा। भाई AI का ये मकसद ही नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आपकी मदद के लिए बनाई गई है और कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकती। वियतनाम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन मैथ वियासम कहलाता है, जो कि 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था और मैथ की एजुकेशन के लिए ठीक ठाक ये लोग काम कर रहे हैं भाई, और एजुकेशन में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान से ज्यादा बुरे हालात थे इनके और अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया एजुकेशन में काम करके। मुझे ज्यादा शौक नहीं है पाकिस्तान के फ्लॉज पॉइंट करना, मजाक उड़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ ज्यादा सीरियस बातें नहीं करूँ। और उसकी वजह यह है कि हम लोग एज ए नेशन प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी ज्यादा बात करते हैं कि हमने सोल्यूशन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करूँ, लेकिन नजर आता है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट की सपोर्ट है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं बिकॉज आई एम दी ओनली पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, हम लोग सबसे लेटेस्ट एडिशन है और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, अच्छे खासे लोगों को यहाँ के पॉलिटिकल क्लाइमेट के बारे में भी पता है, लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे और मेरे पास कोई चीज पर्टिकुलरली बताने को है नहीं। जैसे वो अज़रबैजान वाली खातून थी, उन्होंने पूछा हाउ डज योर गवर्नमेंट सपोर्ट एजुकेशन, मैंने कहा देयर इज नो गवर्नमेंट। तो यहाँ पे है भाई हो ची मिन साहब जो बेसिकली रूहानी वालिद हैं वियतनाम के, उन्होंने भी कुछ इसी टाइप की बात की थी, जो कि ये कोट भी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, कि अगर 10 साल का प्लान करना है ना तो दरख्त लगाएं, और अगर 100 साल की प्लानिंग करनी है एजुकेशन पे पैसा लगाएं। और हमारे यहाँ ना दरख्त लग रहे ना एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, तो फिर जाहिर है यही सब फजूलियात होंगी जो पाकिस्तान में होती है। अच्छा एक और चीज ये है कि इन लोगों के अभी ये ब्रेन ड्रेन का मसला था कि लोग मुल्क छोड़ के चले जाया करते थे, इस पे ताला लगाने के लिए गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक्टिवली काम किया है कि लोग मुल्क छोड़ के नहीं जाएं, मुल्क की खिदमत करें। और जाहिर है जब काम होता है और अच्छी नीयत के साथ काम होता है तो उसका असर भी बहुत अच्छा होता है। तो बस ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रहा तो हम अपने लेवल पे कर लेंगे यार, अपना ही मुल्क है हमें ही करना है, कोई और बाहर से आके सही नहीं करेगा। खान अकेडमी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता लगी हैं, वियतनाम में किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, फिलीपींस में किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है। मैं सोच रहा था कि इंडिया वालों से ज्यादा बात हो जाएगी लेकिन इंडिया वाले आ नहीं सके, बांग्लादेश की जो टीम है उनके लोगों से दोस्तियां हुई, बहुत सारे लोगों से दोस्तियां हुई, एंड वील हैव सम एक्साइटिंग न्यूज कमिंग अप विद रिगार्ड्स टू खान अकेडमी, और इंशाल्लाह बहुत सारा कंटेंट भी खान अकेडमी का देखेंगे और बहुत सारी प्रमोशन भी इसकी देखेंगे। तो अब बस मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है।